हे गाइस, यहाँ पे मैं आपके साथ कटक्रीज आइज मेकअप आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी किस तरह मैं करती हूँ। अगर मुझे अपनी ड्रेस की मैचिंग का करना हो तो कैसे आप उसे घर पर ही बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल पार्लर जैसा। तो आपने देख लिया आप भी लुक। यहाँ पे मैं बेस बनाने के लिए जो है सबसे पहले मैंने कंसीलर लगाया है। कंसीलर लगाते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया, और लगाने के बाद उसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। जब भी आप आइज का मेकअप करें तो आप जो है कंसीलर जरूर लगाएं, उससे जो उसका कलर होता है ना बहुत अच्छा और बहुत निखर कर आता है। तो कंसीलर मैंने उसे अच्छी तरह लगा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यूड शेड में लिपस्टिक ली है। उसे लगाने के बाद जो है मैंने एक ही ब्रश मैंने यूज़ किया यहाँ पे, उसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। और कुछ मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया, कुछ मैंने फिंगर की हेल्प से। और उसके बाद मैंने उसी शेड में जो आई शैडो को पिक किया और उसे हल्का डार्क करते हुए अच्छी तरह फिर से अगेन उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ड्रेस की मैचिंग का लाइट रोजी शेड मैंने पिक किया है उसी सेम ब्रश से। और उसके बाद मैं इसे कट क्रीज जो है यहाँ पे डिफाइन करने के बाद उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास एक ही ब्रश हो, पतला ब्रश हो, तो आप उसे ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से आप उसे टैप टैप करके हल्के हाथों से आप उसे बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। आपका बिल्कुल बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा तरह उसका जो है लुक आता है। उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस में जो हल्का लाइट शेड था उसे मैंने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन शेड था उसे मैंने लिया और उसे यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने फिल कर लिया अच्छे से, फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद नीचे मैंने कंसीलर लगाया, वो मैंने आपको दिखाया है। लगाने के बाद नीचे भी मैं आई शैडो को ब्लेंड कर लिया। उसके बाद आईलाइनर लगा लिया और ये जो मेरा आईज मेकअप है ये फाइनल हो गया। आप देख सकते हैं।